हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 13 फरवरी और आज भी हमारे सामने आईपीएल 2021 को लेकर, इसके साथ ही भारत और इंग्लैंड के बीच की सीरीज़ को लेकर और उसके साथ ही ऑक्शन के प्लेयर्स की लिस्ट में हमें लास्ट मोमेंट पर चेंजेस देखने को मिले हैं। इसके साथ ही टाइटल स्पॉन्सर एक बार फिर से यहाँ पर हमें अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं सब के रिगार्डिंग हमारे सामने आज भी 8 बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के बड़े फैंस हैं या फिर आईपीएल के स्टार्ट होने का काफ़ी ज़्यादा बेसब्री इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि निकल कर आ रही है एस श्रीशांत की तरफ से। श्रीशांत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद वो एलिजिबल हो गए थे आईपीएल की रजिस्ट्रेशन लिस्ट के लिए और गाइस वहां पर बीसीसीआई ने उनका नाम अप्रूव नहीं किया, यानी कि 292 प्लेयर्स की जो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट निकल कर आई है उसमें श्रीशांत का नाम नहीं है। इसके रिगार्डिंग श्रीशांत ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो अपलोड की, जहां पर उन्होंने बताया कि वो इस चीज से हर्ट जरूर हैं, लेकिन वो एक बार फिर से अगले साल आईपीएल में वापसी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी है पूरी प्रोसेस में और ऐसे में ऑब्वियसली बात है कि उनको काफी ज्यादा बुरा लगा है कि बीसीसीआई ने उनको पिक नहीं किया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी उम्मीद जताई है कि जैसे क्रिस गेल को एक चांस दिया गया था आईपीएल में, उसी तरीके से उन्हें भी चांस दिया जाना चाहिए। यानी कि एक तरीके से आप लोग वाइल्ड कार्ड एंट्री बोल सकते हैं, जो कि हालांकि आईपीएल में तो होता नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्रिस गेल के साथ पहले हो चुका है। तो यहां पर एस श्रीशांत ने भी इसी बात की उम्मीद जताई है कि इस तरीके का कुछ सिनेरियो उनके साथ भी हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आपके हिसाब से बीसीसीआई को एस श्रीशांत को एक और चांस देना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है रजिस्टर्ड प्लेयर्स की लिस्ट में हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिली है लास्ट मोमेंट पर। हमने आपको बताया था कि 2 नए प्लेयर्स को ऐड किया गया था, जिसमें नाम निकल कर आया था लिविंगस्टोन का, उनके साथ ही नील वैगनर का, लेकिन गाइज अब 3 और प्लेयर्स को बीसीसीआई ने इस ड्राफ्ट में शामिल किया है। और आप लोग इस बात को समझते होंगे कि बीसीसीआई अगर ये चेंजेस कर रही है तो इसका मतलब है कि 8 फ्रेंचाइज में से कोई ना कोई ऐसी फ्रेंचाइज जरूर है जिन्होंने बीसीसीआई को बताया है कि वो इन प्लेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज उनको उस ड्राफ्ट में शामिल ही नहीं किया जाता। तो इनमें नाम निकल कर आता है शॉन मार्श का, उनके साथ ही नाम निकल कर आता है कोरे एंडरसन का और उनके साथ ही नाम आता है मॉर्ने मॉर्केल का, जो कि 36 साल की एज में उन्होंने रजिस्टर किया और अपना बेस प्राइस सेट किया है 1.5 करोड़ रुपए। तो काफी इंटरेस्टिंग ये 3 प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, देखने वाली बात होगी क्या कोई टीम इनके ऊपर बिडिंग करती है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या इन 3 प्लेयर्स के आने से कोई फर्क पड़ेगा किसी टीम की आईपीएल की स्ट्रेटजी में या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरफ से, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफ़ी ज़्यादा कमाल का परफॉर्मेंस किया था। उन्होंने कुछ बड़ी स्टेटमेंट दी हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपना जो बेस्ट होता है किसी भी बंदे का, वो उन्होंने दे दिया सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और उन्होंने पूरी पूरी उम्मीद जताई कि उनके ऊपर काफ़ी अच्छी खासी बिडिंग इस बार होगी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फेवरेट टीम्स का नाम भी बता दिया कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से वो खेलना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि विराट कोहली उनके आइडल हैं और उनका ड्रीम है कि वो विराट कोहली के साथ पारी की शुरुआत करें। तो आरसीबी और सीएसके, ये 2 टीमों का नाम उन्होंने लिया है। देखने वाली बात होगी क्या इन 2 टीमों में से कोई टीम उनके ऊपर बिडिंग करती है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से अजहरुद्दीन के ऊपर कितने रुपए तक की बिडिंग होगी और आपको क्या लगता है कौन सी टीम उनको पिक कर सकती है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल ऑक्शन की स्ट्रेटजी वीडियो को लेकर। ऑलरेडी हम लोग आरसीबी, केकेआर, डीसी और एसआरएस की वीडियो आपको बनाकर दे चुके हैं पूरी डिटेल में, और जो बाकी की 4 टीमें रहती हैं, यानी कि मुंबई इंडियंस, उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स, किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स, उनकी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हम आज ही उस वीडियो को आपको लेकर आ जाएंगे ऑक्शन की स्ट्रेटजी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में,
जो कि निकल कर आ रही है अजीत अगरकर की तरफ से। अगरकर ने यहाँ पर 2 करोड़ सेट बेस प्राइस वाले प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स को टारगेट किया है, यानी कि जिन प्लेयर्स ने 2 करोड़ रुपए अपना बेस प्राइस सेट किया है, उसमें उन्होंने बताया है कि केदार जाधव और हरभजन सिंह, जो कि सिर्फ 2 ही ऐसे भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ सेट किया है। उन्होंने बताया है कि इन दोनों में से एक भी प्लेयर नहीं बिकेगा। उनका मानना है कि जिस तरीके का परफॉर्मेंस और जिस तरीके की फिटनेस जाधव और हरभजन की है, उस तरीके के हिसाब से उनको अपना बेस प्राइस 50 लाख के आसपास सेट करना चाहिए था। 2 करोड़ काफी ज्यादा बेस प्राइस, और यही वजह है कि ये अपने लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस की वजह से या फिर अपने फिटनेस के इश्यूज की वजह से अनसोल्ड जाएंगे। तो अजीत अगरकर ने कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी है कि जाधव और हरभजन को 2 करोड़ रुपए अपना बेस प्राइस सेट नहीं करना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है अजीत अगरकर के स्टेटमेंट के बारे में। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही सीरीज को लेकर, जहां पर आप लोगों को आज 9:30 बजे से दूसरा टेस्ट मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला मुकाबला आप लोग जानते हैं इंग्लैंड की टीम जीत चुकी है, तो ऐसे में भारतीय टीम के लिए मुकाबला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस मुकाबले को भारतीय टीम हार जाती है तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भारतीय टीम बाहर हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम एंट्री कर जाएगी। इसके बाद भारत अगर दोनों मैच भी जीतता है तो भी स्कोर 2-2 होगा और ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मैच है। इंग्लैंड की टीम से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 4 बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय टीम से एक्सपेक्टेड है कि शहबाज नदीम की जगह आप लोगों को अक्षर पटेल की एंट्री देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की अपडेट्स निकल कर आई हैं। जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक शायद दोनों ही टीमें यहाँ पर डिक्लेयर हो चुकी होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मुकाबले को लेकर, कौन सी टीम आपको लगता है बाजी मारेगी। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है क्रिकबस की तरफ से, और ये अपडेट बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ड्रीम इलेवन की 1 साल की डील बीसीसीआई के साथ ख़त्म हो गई थी और वीवो एक बार फिर से नया टाइटल स्पॉन्सर बीसीसीआई का बन गया था। ये बात यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी थी, आप लोगों ने सारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जितने भी आर्टिकल्स हैं उन पर देख ही लिया होगा। लेकिन गाइज अब क्रिकबस, जो कि ऑब्वियसली बात है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स है, उन्होंने बताया है कि बीसीसीआई अभी भी फाइनलाइज नहीं किया है उन्होंने टाइटल स्पॉन्सर सर, और ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि कल न्यूज निकल कर आई थी कि वीवो टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है। तो इसका शायद ये मतलब हो सकता है कि चाइनीज ब्रांड्स का जिस तरीके से भारत में विरोध हो रहा था उसके चलते एक बार फिर से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि वीवो को इसी वजह से हटाया भी गया था फर्स्ट प्लेस में। तो देखने वाली बात होगी टाइटल स्पॉन्सर में क्या एक बार फिर से हमें कुछ नया ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलता है या फिर नहीं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से टाइटल स्पॉन्सर कौन सी ब्रांड को बनाया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अगर किसी भारतीय ब्रांड को प्रायोरिटी दी जाती है तो फिर आईपीएल को वो उतना ज्यादा अमाउंट दे पाएंगे या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को लेकर। बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो आपको आईपीएल के करीब 2 वीक मिस करते हुए नजर आ सकते हैं। ये यहां पर हर बार के आईपीएल से पहले का ही केस है। आपको पता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इनके साथ ही साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो भी उनकी इंटरनेशनल ड्यूटीज होती हैं या फिर जो भी उनका इंटरनेशनल शेड्यूल होता है उसकी वजह से वो आईपीएल में थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं। ये हर बार का ही काम है। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो बताया जा रहा है कि आपको 1 से 2 वीक मिनिमम, 1 वीक और उसके साथ ही मैक्सिमम 2 वीक, इतने टाइम के बाद आईपीएल ज्वाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी। हालांकि अफ्रीका के ज्यादा प्लेयर्स नहीं है लेकिन ये अपडेट निकल कर आई है। तो यही सारी 8 बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट अपडेट आज निकल कर आई थी ये वीडियो ही तक की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग उन बाकी बची हुई 4 टीमों की यानी कि ऑप्शन स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।